हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी कंप्यूटर साइंस जिस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे थे, वो एग्ज़ाम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत दूर चला गया है। एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, मे बी अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके पास जो ये अब टाइम बचा है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बार बार ये क्वेश्चन मत पूछो कि एग्ज़ाम कब होगा, डेट क्या होने वाली है, बिकॉज़ ये डी ट्रिपल एस बी की हेडेक है, वो अपने आप आपको नोटिफाई कर देगा। आपका काम ये है कि जो आपके लूप होल्स रह गए थे, जो टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं रिवाइज करे, कुछ नया कंटेंट आप पढ़ना चाहते हो, कुछ नए क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो इस टाइम पे, आप उन पे ध्यान दो, ठीक है। अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ और साथ ही साथ अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को इंक्रीज करो। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को उतना ही रखो जितना आपकी एनर्जी पहले थी। तो टॉपिक वाइज सीरीज फिर से स्टार्ट हो चुकी है। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग द क्लासेज ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के अपकमिंग एग्जाम्स की फॉर द कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ लास्ट वीडियो की, तो मैंने आपको वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी टॉपिक वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट टू है ये, और इसमें हम कुछ बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आप जाके उसे देख लीजिएगा, और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और अभी शेयर करो, ठीक है। चलते हैं आगे। तो टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है, वो क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग से जरूर से क्वेश्चन आता है। 3 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में, वो मैचिंग से डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट पार्ट में डेफिनेटली श्योर है कि आपकी मैचिंग आती है, और कई बार पैसेज में भी आ जाती है, हिंदी और इंग्लिश के पैसेज में मैचिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 अलग अलग कॉलम्स है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका कहाँ से आया हुआ है, शेड्यूलर से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, एंड वी हैव शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है स्वैपिंग, जॉब शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है कि वो प्रोसेस को शेड्यूल करने में हेल्प करती है। मतलब क्या है इसका, प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट। अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा व्हाट आर द बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ ओएस, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग, या प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब ये है क्या, देखो ये वो एक्टिविटी है जिसके इस्तेमाल से जो आपका प्रोसेस मैनेजर होता है, उसका मेन काम क्या है कि वो ये डिसाइड करने वाला है कि सीपीयू कौन से पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कोई प्रोसेस रनिंग में है और वो किसी आईओ की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कैसे हमें सीपीयू से उसे हटाना है और न्यू प्रोसेस का सिलेक्शन करके उसको रन करवाना है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग, लाइक देर आर मैनी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, FCFS, SJF, RR, मतलब राउंड रॉबिन, और वी हैव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो कौन सी स्ट्रैटेजी आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नया प्रोजेक्ट एलोकेट करवाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग आप जानते हो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मल्टी प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। उस केस में आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसी प्रोसेस शेड्यूलिंग को मैनेज करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, और कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो देखो आपको अगर इन्हें याद करना है ताकि एग्जाम में कभी गलती ना हो, तो आप इनके नाम से याद करो। पहला क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 टाइप ऑफ शेड्यूलर्स होते हैं जो प्रोसेस शेड्यूलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि ये आपके नए प्रोसेस को लेकर आएगा। कहाँ पे लेके आएगा, आपकी रेडी स्टेट में लेके आएगा। कहाँ से लेके आएगा, न्यू स्टेट से लेके आएगा, ठीक है। तो आप देखो न्यू स्टेट से
मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको प्रोसेस स्टेट मॉडल बताया था, अब यहाँ पे क्या है कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो शेड्यूलर आपके प्रोसेस को लेके आएगा उस शेड्यूलर को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं, इसका एक और भी कई बार पूछ लेते हैं, इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये कई बार पूछते हैं कि कौन सा शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर सकता है। देखो आपको मल्टी प्रोग्रामिंग तो आई होप क्लियर होगा, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि मल्टी प्रोग्रामिंग देखो होता क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि आपको अपने रैम में मल्टीपल प्रोसेसेस को लाके प्लेस कर देना है, ठीक है, और नॉन प्रिम्पशन नेचर में रखना है। मतलब क्या है, अगर आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के थ्रू और जैसे ही उसने आईओ की रिक्वेस्ट करी तो उसी केस में क्या होगा, सीपीयू जो है वो उस प्रोसेस को छोड़ेगा और दूसरे जो प्रोसेसेस को ले लेगा। मतलब खुद से कभी भी सीपीयू क्या करेगा, प्रिम्प्ट नहीं करेगा। मतलब जो आपका प्रोसेस है वो जब ही प्रिम्प्ट होगा जब उसे किसी आयो की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज वो पूरा प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके बाद ही नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है और ना ही प्रिम्प्शन होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो शेड्यूलर न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आपके प्रोसेस को लेके आएगा उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो कि जो न्यू स्टेट है ये आपकी बनती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर और जो हमारी रेडी स्टेट है हमारी बनती है रैम के अंदर। तो हार्ड डिस्क से रैम के पास लेके आ रहा है, इतनी दूर से रैम के पास लेके आएगा तो इसने लॉन्ग रन किया, ठीक है, इसने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट्स वाई ये क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है क्योंकि हार्ड डिस्क से रैम तक पहुंचा। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की, सेकेंड क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे कम टाइम लग रहा है आपके प्रोसेस को ट्रांसफर करने में। और एक चीज का आपको ध्यान ये देना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग हम चाहते हैं हमेशा हाई हो जाए क्योंकि जितने ज्यादा आपके प्रोसेसेस रैम में रिसाइड करेंगे उतने ही जो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री है वो बढ़ जाएगी और सीपीयू की एफिशिएंसी भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, बिकॉज जैसे ही कोई प्रोसेस जाएगा आईओ के लिए तो नेक्स्ट प्रोसेस वहां पे अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे रेडी स्टेट में अब जैसे मल्टीपल प्रोसेस आपने यहाँ रख दिए, आपने मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस यहाँ पे लाके रख दिए, अब उन मल्टीपल प्रोसेसेस में से कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस सेलेक्ट होगा और वो रनिंग स्टेट में आने वाला है, इसको जो है सिलेक्शन के लिए हमें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रेडी स्टेट में आपके प्रोसेसेस हैं उस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आपको आना है ना। तो रनिंग स्टेट में तो कोई एक ही आ पाएगा एक बारी में, है ना, तो कोई एक जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा रनिंग स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। एक चीज का आपको ध्यान देना, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को सेलेक्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, वो आपके प्रोसेस को लोड नहीं करता। लोड करने के लिए वी हैव अ लोडर, बट जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसका मेन काम क्या होता है कि वो आपके कौन से प्रोसेस को सिलेक्ट करना है इसको डिसाइड करके आपको दे देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यूज करते हैं डिस्पैचर का। तो डिस्पैचर का मेन काम क्या है कि जो भी आपका जो प्रोसेस है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने जो सेलेक्ट करके दिया है उसको वो लोड करवाता है, ठीक है। तो डिस्पैचर का मेन काम क्या है, लोडिंग का जो काम है वो आपका डिस्पैचर संभालता है और साथ ही साथ जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है उसको भी डिस्पैचर ही डील करता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के साथ ही काम करता है डिस्पैचर, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड होता है वो हमारा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो लास्ट वाले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था कि स्वैप इन और स्वैप आउट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बिल्कुल ठीक बात है। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है उसका मेन काम क्या है कि जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसको वो सस्पेंड कर सकता है या फिर उसे रिज्यूम भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा
किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लो आपने क्या करा कि कोई जो प्रोसेस है वो आयो के लिए जा रहे हैं, तो वो आयो में जाएंगे तो मतलब कहाँ जाएंगे, ब्लॉक स्टेट में आ जाएंगे। अब एक टाइम पर आपकी जो ब्लॉक स्टेट है वो पूरी भर चुकी है, तो अब अगर ब्लॉक स्टेट फुल हो चुकी है तो उस टाइम पे हमें थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो हमारे प्रोसेस होते हैं वेटिंग स्टेट से निकाल के उसको सस्पेंड वेट स्टेट में डाल देते हैं। और जब हम सस्पेंड वेट स्टेट में डाल देते हैं तो वो जो सस्पेंड वेट स्टेट होती है वो कहाँ होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। तो उसको, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वेटिंग स्टेट से निकाल के सस्पेंड वेटिंग स्टेट में डालने का जो काम है वो कौन करता है, आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो इसका मतलब जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो डिक्रीजेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि जो प्रोसेस स्टेट मॉडल होता है उसमें से कितनी स्टेट्स होती है जो रैम में बनती है, और कितनी स्टेट्स जो होती है वो आपकी बनती है कहाँ पे, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में बनती है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि कितनी स्टेट्स आपकी बनती है रैम में और कितनी स्टेट्स आपकी बनती है हार्ड डिस्क में। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार से, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देती हूँ कि स्वैप इन और स्वैप आउट के लिए, स्वैप इन के लिए और स्वैप आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे ध्यान दो, आपको ये तो पता है कि जो प्रोसेस की स्टेट है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि आपका जो प्रोसेस है उसकी करंट एक्टिविटी क्या है, वो अभी क्या कर रहा है। ठीक है, वो आपके सिस्टम में अभी क्या करंटली उसका क्या स्टेटस है, तो ये उसकी स्टेटस को बताने के लिए स्टेट हम यूज करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले होती है आपकी न्यू स्टेट, फिर आपकी होती है रेडी स्टेट। मैं थोड़ा सा लंबा खींच रही हूँ उस टॉपिक को, बिकॉज यहाँ से और भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, रेडी के बाद हमारे पास होती है रनिंग स्टेट। अब रनिंग करते करते अगर प्रोसेस आयो लेता है, कोई रिक्वेस्ट देता है आयो का, तो वो आ जाता है वेट या फिर ब्लॉक स्टेट के अंदर। ठीक है, और जैसे ही आयो कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो वापस से वो रेडी स्टेट में आके लग जाएगा आयो कंप्लीशन के बाद। ठीक है, और ये इसके आगे जाएगा ये यहाँ से, और अगर कोई आयो नहीं मांगता वो तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, आप जानते हो ये चीज। अब यहाँ पे क्या पूछेंगे आपसे कि कितनी स्टेट्स बनने वाली है आपके हार्ड डिस्क में और कितनी बनेगी रैम में। अब मैंने आपको बताया भी था कि जब आपकी वेट स्टेट भर जाएगी तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको स्वैप आउट कर दोगे प्रोसेसेस को, और इसको प्लेस कर दोगे सस्पेंड वेट स्टेट में। ठीक है, सस्पेंड वेट स्टेट में, और जैसे ही यहाँ पे थोड़ी स्पेस बन जाएगी वापस आप इसे स्वैप इन कर लोगे। तो स्वैप आउट और स्वैप इन जो है ये ऑपरेशंस करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ऐसे ही हमारे पास जो रेडी स्टेट होती है, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेडी स्टेट फुल हो जाती है तो यहाँ पर भी एक होती है सस्पेंड रेडी स्टेट। क्या होती है, सस्पेंड रेडी स्टेट, और यहाँ पर भी कौन होता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर ही यहाँ पे भी हेल्प करता है रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी पे जाने के लिए और वापस आने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था कितनी स्टेट्स आपकी रैम में बनने वाली है, तो वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इस कलर चेंज कर दूँ तो ध्यान से देखना, रेडी स्टेट आपकी रैम में होती है, ठीक है, रनिंग स्टेट आपकी रैम में होती है, और वेटिंग स्टेट आपकी रैम में होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यू स्टेट आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, टर्मिनेट स्टेट जो होती है वो आपकी कहाँ होती है, वो भी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी में होती है, और जो आपकी सस्पेंड वेट स्टेट है ये भी कहाँ होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है, सस्पेंड रेडी कहाँ होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं नंबर ऑफ स्टेट्स इन मेन मेमोरी, एम एम स्टैंड फॉर मेन मेमोरी इक्वल्स टू 3 होता है,
और नंबर ऑफ स्टेट्स, कई बार ये पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स इन सेकेंडरी मेमोरी कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई. न्यू स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट, सस्पेंड ब्लॉक और सस्पेंड रेडी स्टेट. ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की. अब देखो, हमने डिस्कस किया था अभी यहाँ पे कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, ये क्या करता है आपका, ये बेसिकली जॉब को शेड्यूल करता है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेके आता है. तो फर्स्ट का हो जाएगा बी. मीडियम टर्म शेड्यूलर स्वैप इन और स्वैप आउट करता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए स्वैपिंग हो जाएगा. और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, ये डिस्पैचर के साथ मिलके एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट करता है रेडी स्टेट में से और उसे रनिंग स्टेट में लेके आता है, और रनिंग में कौन होता है, सीपीयू उसे रन कर देता है. तो मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर गोज टू सीपीयू शेड्यूलिंग. तो यहाँ पे फर्स्ट का बी, सेकंड का ए एंड थर्ड का सी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है और ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आया है, सीपीयू शेड्यूलिंग से आया हुआ है. एक टेबल है, इसके अंदर प्रोसेस आईडी है P1, P2, P3, सीपीयू बर्स्ट टाइम है 573 एंड अराइवल टाइम क्या है 02 और 03. अब आपको करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ द थ्री प्रोसेसेस. थ्री प्रोसेस का कंप्लीशन ऑर्डर क्या होने वाला है, करेक्ट अकॉर्डिंग टू FCFS है और क्या है आपका RR है. और RR के केस में आपको, मतलब राउंड रॉबिन के केस में आपको सीपीयू जो क्वांटम टाइम है वो 2 यूनिट्स कंसिडर करना है. तो पहले हम बात करेंगे FCFS की. आप जानते हो FCFS स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो जो पहले आया वो पहले होगा. इट मीन्स ये तो बाय डिफॉल्ट है कि P1 पहले आया है, P2 बाद में, P3 सबसे बाद में आया है ना. P1 आया 0 पे, P2 आया है आपका 2 पे, P3 आपका है 3 पे. तो इसका मतलब पहले P1 होगा, फिर P2, फिर P3. तो या तो ये होगा या फिर आपका ये ऑप्शन होगा. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राउंड रॉबिन की. अगर मैं इसको बनाऊं गैंट चार्ट FCFS के लिए तो कैसे बनेगा. स्टार्टिंग विद 0, 0 पे हमारे पास कौन आया है, P1 आया है. अब P1 आपको 5 तक चलाना है, तो यहाँ पे ये पूरा 5 तक चलने वाला है, बिकॉज जो FCFS है वो नॉन प्रिमिटिव होता है, यहाँ पे आपको प्रिमिशन नहीं दिखाना है. अब इसके बाद 5 तक हमारे पास P2 भी आ गया और P3 भी आ चुका है. तो जो P2 है वो चलेगा कंप्लीट कहाँ तक, 5 + 7 = 12, और जो P3 है दैट इज 3 तक चलेगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये बन गया आपका गैंट चार्ट फॉर FCFS. इसका मतलब जो ऑर्डर आया FCFS में वो क्या आया, पहले P1 कंप्लीट हुआ, फिर P2 कंप्लीट हुआ और एंड में P3 कंप्लीट हुआ. बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट क्या है, राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जिसे आपको अच्छे से करना है. यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पे टाइम क्वांटम दिया हुआ है. टाइम क्वांटम दिया हुआ है कितना, 2 यूनिट के लिए आपके हर एक प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा. अगर वो 2 यूनिट के अंदर एग्जीक्यूट हो गए तो बढ़िया है, अदरवाइज उसको दोबारा से फिर जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो उसे कंप्लीट होना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे राउंड रॉबिन बेसिकली आपका मल्टी टास्किंग कह सकते हो आप. मल्टी टास्किंग क्या होता है, OS में यूज होता है, और यहाँ पे इसे टाइम शेयरिंग भी कहते हैं. अब देखो यहाँ पे आपके गैंट चार्ट के साथ साथ, गैंट चार्ट तो बनेगा, गैंट चार्ट के साथ साथ यहाँ पे सर्कुलर क्यू बनती है. क्या बनती है, सर्कुलर क्यू बनती है, सर्कुलर नेचर की. अब देखो गैंट चार्ट ये रहा. सबसे पहले 0 पे क्या हो जाएगा आपका, जो P1 है वो आपका, देखो पहले रेडी क्यू में आ जाएगी P1. P1 जो है वो 5 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना चाहती है. तो यहाँ पे गैंट चार्ट में हमने इसको 2 के लिए एलोकेट कर दिया, 2 कंप्लीट हो चुका है. और जैसे ही 2 टाइम यहाँ पे हुआ, इस टाइम पे आपका P2 भी आ चुका है, तो P2 को भी हम यहाँ पे लिख देंगे रेडी क्यू के अंदर. ठीक है, P2 भी आ चुका है रेडी क्यू के अंदर P1 के बाद. ये 1 है, दिस इज 1, और जो P2 है वो आया हुआ है 7 टाइम के लिए. तो P2 को हमने यहाँ पर 2 टाइम दे दिया है. अब जैसे ही यहाँ पे 4 हुआ तो P3 भी आ चुका है, तो P3 भी आ गया है, और यहाँ पर क्या हो गया है, जो P3 है वो आया है 3 के लिए. तो P3 हमने यहाँ दे दिया है और उसको 2 टाइम दिया है, मतलब ये चलेगा 6 तक. अब देखो जो आपका P1 है वो यहाँ से हटेगा, कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा एंड में. तो कितना रह गया था, ये रह गया था 3 रह गया था. P2 जो है वो यहाँ से हटेगा, और कहाँ आ जाएगा P2, ये आपका आ जाएगा यहाँ, बचेगा आपका 5, और जो P3 है इसका बचेगा आपके पास 1 यूनिट. इसके बाद क्या हो जाएगा, P1 चलेगा,
दो तक जाएगा तो 6 और 2 कितना होता है 8, अब P1 कितना रहेगा 1 रह गया, तो 1 आपको बैक साइड में लिखना है। इसके बाद P2 है, ये चलेगा आपका कितना 2 टाइम तक चलेगा, ये हो जाएगा 10, और जो P2 है वो आपका कितना रिमेनिंग रह गया 3 रिमेनिंग रह गया। इसके बाद जो आपका P3 है वो आपका 11 पे क्या हो गया, ओवर ही हो गया है। तो इसके बाद जो P1 है, P1 वो आपका क्या हो गया 12 पे ओवर हो गया है, खत्म हो गया है। ये जो P2 है उसका 3 टाइम रह गया है, तो P2 जो है, P2 उसको पहले हम करेंगे 2 के लिए, तो 14 तक जाएगा, 1 बच जाएगा, और उसके बाद जो 1 है उसके लिए आप यहाँ पे कर देंगे और 15 पे ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राउंड रॉबिन के हेल्प से रेडी क्यू मेंटेन करी, गैंट चार्ट बनाया और देखा कि किस तरीके से आपके प्रोसेस का कंप्लीशन ऑर्डर आने वाला है। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले जो है वो हमारा P3 कंप्लीट हुआ, P3 के बाद हमारा P1 कंप्लीट हुआ, एंड देन आपका लास्ट में P2 कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ऑर्डर बनता है वो बनता है P3 देन P1 एंड देन P2। तो आप मैच कर लो ये ऑर्डर कहाँ पे है। आपको पता लग गया था कि सेकंड तो वैसे ही रॉन्ग हुआ आपका, फोर्थ भी रॉन्ग है, बिकॉज FCFS का आंसर अलग आ रहा है, लेकिन अब जो आपका फर्स्ट और थर्ड है इसके अंदर P3 P1 P2 यहाँ पे P1 P2 P3 ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको CPU शेड्यूलिंग अच्छे से आने चाहिए, उनके प्रॉपर फॉर्मुलेस क्या होते हैं, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपका, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस आने चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देर आर 3 पेज फ्रेम। तो आपके रैम में कितने हैं, 3 पेज फ्रेम है, विच आर इनिशियली एम्प्टी है। लेट LRU, FIFO एंड ऑप्टिमल डिनोट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है। LRU, FIFO और ऑप्टिमल तीनों का इस्तेमाल करके आपको इस गिवन पेज स्ट्रिंग को यूज करते हुए आंसर निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं फीफो के बारे में, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पेज सबसे पहले आया था उसे सबसे पहले रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 2 4 1 3 2 4 1, ठीक, कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखो यहाँ पे 3 पेज फ्रेम है आपके, तो पहले आपका 1 हो जाएगा इंसर्ट, इसके बाद 1 के बाद 2 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब जो पेज CPU डिमांड कर रहा है वो क्या है आपका, 2 है, तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पेज फ्रेम में है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, हिट हो गया। जो पेज CPU ने डिमांड किया वो ऑलरेडी पेज फ्रेम में था, इसे बोलते हैं हिट, ठीक है। इसके बाद 4 4 आपके पेज फ्रेम्स में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें किसी पेज को रिप्लेस करके 4 को डालना पड़ेगा। तो फीफो क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसे पहले बाहर निकालो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 1 सबसे पहले आया था, 1 को आपने बाहर निकाला तो 4 हो गया, इसके बाद फिर से 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 चाहिए आपको, तो 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो हमने यहाँ पर 2 को रिप्लेस किया, और हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने डाल दिया व्हाट, 1 डाल दिया, क्योंकि जो 2 है वो बहुत पहले आया था, इसलिए हमने 2 को रिप्लेस किया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे 3 फिर से आ गया है, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया है, तो 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पेज हिट हो गया। इसके बाद आया है 2, 2 के लिए क्या करोगे आप, जो पहले आया उसे बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि 3 पहले आया हुआ था आपका, पहले से चल रहा है, तो इसे हम निकाल देंगे पहले। यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 4, और आप फिर से 4 आ गया, तो आपका हो जाएगा 2 1 4। तो यहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट नहीं है, स्टार मार्क कर लो। 1 जो है, 1 में भी कोई पेज फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब 2 1 4 में यहाँ पेज फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, तो ये हिट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 तो हिट हो गई, और बाकी कितनी बची आपकी, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके हो गए पेज फॉल्ट अंडर फीफो। अब हम बात करते हैं LRU की।
LRU स्टैंड फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जिस पेज को आपने सबसे लीस्ट में यूज किया है, लीस्ट किया है पास्ट में यूज, उसे आप रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 और 1। तो यहाँ पे भी 3 पेज फ्रेम है, तो पहले 1 डिमांड क्या, 1 नहीं है इसको लेके आएंगे, फिर 2 डिमांड क्या, 2 भी नहीं है 2 को भी लेके आएंगे, फिर 3 डिमांड क्या, 3 को भी यहाँ पर लेकर आएंगे। अब फिर से 2 आ गया, तो 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मतलब ये क्या हो गया, आपका पेज हिट हो गया। अब 4 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 के लिए जो आपका सबसे पुराना वाला पेज है फ्यूचर का, उसको आपको हटाना है। तो यहाँ पे 1 देखो पुराना है, तो यहाँ आ जाएगा 3, 2 और 4। अब 1 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 के लिए देखो 4 तो अभी यूज हुआ था, 2 अभी यूज हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे फिर आपके पास 3 आ गया है, तो 3 डालना पड़ेगा आपको। तो 1 अभी आया था, 4 अभी आया था, 2 आपका पुराना हो गया है। फिर क्या है आपका, 2 आया तो 4 यहाँ आएगा आपका। ठीक है, नहीं सॉरी, आपका 2 आया ना, हाँ, तो 2 के केस में आपका जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। जो पास्ट में सबसे पहले हुआ था उसको रिप्लेस करो। फिर क्या है, 4, तो 1 एज इट इज, 3 सॉरी 1 जो है आपका वो बहुत पहले से आ रखा है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 4, देन आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। और यहाँ पर 1 है, तो 1 डलवाने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे, या तो आप डायरेक्टली ले सकते हो यहाँ पे 1 को, तो 1 में भी आपका पेज फॉल्ट ही हो जाएगा। तो ये आपका जो है 4 आपका अभी आया था, 3 आपका जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 आपका यहाँ हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पे 9 आपके पेज फॉल्ट आ रहे हैं। और लास्ट जो है वो आपका कौन सा है, ऑप्टिमल वाला है। ऑप्टिमल आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर कोई मिस्टेक लगती है आप उसे कमेंट में बता सकते हो। ऑप्टिमल में क्या होता है, हम फ्यूचर में देखते हैं कि कौन सा पेज सबसे एंड में यूज हो रहा है, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी वाले में ही चेंजेस कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो हम यहीं पर चेंजेस कर लेते हैं और इसी को हम ऑप्टिमल के तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो फीफो में हमारे 6 आए थे, ऑप्टिमल में देखते कितने आते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ऑप्टिमल की हम बात कर रहे हैं, मैं ऑप्टिमल को ऊपर करवा देती हूँ। यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो 2 पेज की डिमांड कर रहा है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हिट हो जाएगा, स्टार इज रिप्रेजेंटिंग पेज हिट। अब 4 आ गया है, तो आपको अब यहाँ पर पास्ट में नहीं फ्यूचर में देखना है। फ्यूचर के अंदर देखो कि कौन सा पेज सबसे बाद में यूज हो रहा है। तो देखो 1 जो है, 1 यहाँ पे, ये तो आपका यहीं पे यूज हो गया, 3 आपका यहाँ हो गया, लेकिन जो 2 है वो 1, 3 से बाद में हो रहा है, तो 2 को हम करेंगे रिप्लेस और यहाँ पे हम 4 डाल देंगे। ठीक है, अब 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी आपका प्रेजेंट ही है, तो यहाँ फिर से क्या हो गया आपका, हिट हो गया। 3 भी आपका प्रेजेंट ही है, फिर से क्या हो गया, हिट हो गया। इसके बाद क्या है आपका, दिस इज 2, तो 2 हमारा क्या है अभी यहाँ पे नहीं है, 2 डलवाना पड़ेगा। तो 4 और 1 तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बट 3 तो आपका आगे फ्यूचर में कहीं यूज हो ही नहीं रहा, इसको आप रिप्लेस करके 2 लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद 2, 4, 1 में ऑलरेडी पेज प्रेजेंट है, तो मतलब पेज हिट हो गया, स्टार लगा दो। यहाँ भी आपका जो पेज है वो क्या हो गया, हिट हो गया, 2, 4, 1 के साथ स्टार लगा दो। तो यहाँ पे हो गया आपका 1, 2, 3 और 4 और 5, तो यहाँ पे हो गए आपके 5 पेज फॉल्ट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ऑप्टिमल वाले में आपके 5 हैं, 5 से बड़े आपके फीफो के कितने, 6 हैं, और 6 से बड़े आपके LRU के मतलब कितने हैं आपके, 9 हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बनेंगे इनके रिस्पेक्टिव पेज फॉल्ट्स।
एक बार आप इसे कंफर्म कर लेना, अगर कोई मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व द डाउट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्टिमल से बड़ा होता है, फीफो से बड़ा होता है एलआरयू फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर अ सिस्टम विद 10 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर एंड 3 प्रोसेसेस एक्स वाई जेड, द मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड करंट एलोकेशन टू दीज प्रोसेसेस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो आर रिसोर्स है उसके 10 यूनिट्स मतलब 10 इंस्टांसेस मौजूद है, एक्स वाई जेड 3 प्रोसेस है। आपको बताना है कि जो रिक्वेस्ट यहाँ पे दी है उनमें से कौन सी रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी ताकि सेफ स्टेट बनी रहे, मतलब जिस स्टेट में कोई डेडलॉक ना हो उसे बोलते हैं सेफ स्टेट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो एक्स वाई और जेड मैक्सिमम, यहाँ पे 8 की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे 7 की, यहाँ पे 5 की, और अभी जो करंट अलॉटमेंट हुई है वो कितनी हुई है, जो करंट एलोकेशन हुई है वो कितनी हुई है आपकी, 4 की, 1 की और 3 की। और यहाँ पे देखो एक्स ने रिक्वेस्ट करी 2 की, वाई ने भी 2 की और जेड ने भी 2 की डिमांड करी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, आपकी नीड आएगी कि आपको और कितनी नीड है। ठीक है, तो नीड कैसे निकालते हैं, मैक्स जो आपके पास है माइनस करंट जो आपके एलोकेशन है, तो मैक्स कितनी है आपकी, मैक्स जो है एक्स को 8 चाहिए, 4 मिल चुका है तो 4 और चाहिए होगा, वाई को 7 चाहिए थे, 1 मिल चुका है, 6 और रिक्वायर्ड है, जेड को 5 मिल चुके हैं, 3 रिक्वायर्ड है, और ठीक है 3 एलोकेट है, बेसिकली 5 टोटल है मैक्स, तो यहाँ पे इसको 2 रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर एक्स ने जो है वो 2 यूनिट्स की करी है डिमांड, ठीक है, वाई ने भी करी है 2 यूनिट्स की और जेड ने भी करी है 2 यूनिट्स की डिमांड। अब टोटल हमारे पास अगर 10 रिसोर्सेज अवेलेबल है, 10 इंस्टेंस अवेलेबल है आर के, तो अब ध्यान से देखो कि अगर हम देखें तो हमने एलोकेट कितने करे, हमने यहाँ पे 4 + 3 + 1, यहाँ पे हमने 8 तो एलोकेट कर दिए, मतलब 2 हमारे पास अभी फ्री इंस्टेंसेज जो हम किसी को एलोकेट कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड तीनों ने 2 2 2 की रिक्वेस्ट डाल दी है, जबकि जो जेड की नीड बची है वो 2 ही है, वाई की 6 है, जेड की एक्स की क्या है 4 है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इनमें सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट को ग्रांट करे जाए ताकि सेफ स्टेट बनी रहे। तो अगर आप देखो सबसे पहले अगर आप एक्स को करते हो फुलफिल, जैसे आपने एक्स को फुलफिल कर दिया तो यहाँ पे आपकी 2 बचेगी नीड, और उस 2 नीड के लिए हमें डेडलॉक में फंस जाना पड़ेगा, बिकॉज वाई और जेड तो अपने रिसोर्सेज को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसका मतलब ये तरीका ठीक नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे x को तो एलोकेट नहीं कर सकते, ऐसे y को भी नहीं करोगे, बिकॉज y को अगर आप करते हो ये 2 यूनिट्स एलोकेट, आपके पास 2 ही फ्री है, आपने दोनों y को दे दी है, तो y को 6 - 2 4 और चाहिए होंगी, तो उस 4 के लिए उसे डेडलॉक के अंदर आना पड़ेगा और फिर आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो बेटर क्या है कि z को 2 ही चाहिए थी और इसने 2 ही डिमांड करी, तो आप इस वाले 2 को इसे दे दो, जैसे ही z कंप्लीट होगा उसके बाद बाकी अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब सेफ स्टेट में आने के लिए आपको यहाँ पर जो ओनली रिक्वेस्ट थर्ड है इसे ग्रांट करना जरूरी है। ठीक है, ओनली रिक्वेस्ट थर्ड मस्ट बी ग्रांटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अगर मैं जेड को 2 दे देती हूँ तो जेड की जो रिक्वेस्ट थी वो फुलफिल हो जाएगी, जो नीड है फुलफिल हो जाएगी, और उसके बाद फर्दर एक्स और वाई को भी आगे फुलफिल कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगी सेफ स्टेट। तो यहाँ पे थर्ड को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर अ सिस्टम हैविंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स टाइप। ठीक है, अगर हमारे पास हर एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस है, जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे टेप ड्राइव्स है या मल्टीपल रैम्स है या मल्टीपल अदर पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हो आप, तो उस केस में क्या है कि हम कौन सी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं बैंकर एल्गोरिथम। तो डेडलॉक को अवॉइड करना है अगर मुझे मान लो, तो उसके लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये कुछ कुछ बैंकर एल्गोरिथम पर ही बेस्ड था। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, सपोज दैट अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम आईओ सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू डैश स्टेट।
तो आज आपको मैंने बताया कि जैसे ही आपकी जो आयोग है वो कंप्लीट हो जाएगी तो वेट स्टेट से कहाँ जाएगा, रेडी में, रनिंग में फिर से वापस नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, रेडी में जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज, वो ये समझते हैं कि जहाँ से आयो रिक्वेस्ट आई थी वहीं पे आयो कंप्लीशन के पास जाने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता। आयो रिक्वेस्ट जो आती है वो रनिंग से निकल के वेटिंग में आती है, और आयो कंप्लीट होने पे आप वापस से वेटिंग से कहाँ पहुँच जाते हो, वेटिंग से आप पहुँच जाते हो कहाँ पे, अपनी रेडी स्टेट में। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। अगर किसी प्रोसेस को रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में डालना है तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी नहीं है पूछा गया है। देखो फर्स्ट क्या है, इफ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एन आईओ ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक बात है, अगर प्रोसेस ने आईओ की डिमांड करी तो उसे रनिंग से निकाल के वेटिंग में डालना पड़ेगा। सेकंड क्या है, इफ अ प्रोसेस वेट्स फॉर सम एक्शन परफॉर्म्ड बाय द अनदर प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के एक्शन के लिए वेट कर रहा है तो उस केस में भी हमें रनिंग से उसे वेटिंग में डालना पड़ेगा। थर्ड क्या है कि अगर कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस आए तो रनिंग से वेटिंग में आएंगे, जबकि गलत है, जब तक कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ना आ जाए तब तक आप अपनी रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, बस सी यहाँ पर रॉन्ग है, तो सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है। अ फ्री लिस्ट कंटेन्स थ्री मेमोरी एरियाज ऑफ साइजेस 5 KB, जस्ट अ मिनट, 15 KB एंड 12 KB, ठीक है। द नेक्स्ट थ्री मेमोरी रिक्वेस्ट आर फॉर 10 KB, 2 KB एंड 14 KB। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी दैट वुड बी एबल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ द थ्री रिक्वेस्ट। तो बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट या फर्स्ट फिट, इनमें से कौन सा अप्लाई करे जिससे हमारी ये सारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो पाए। तो आपने जरूर से पढ़ा होगा मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कॉन्टिग्युअस और नॉन कॉन्टिग्युअस। अब नॉन कॉन्टिग्युअस से हम पढ़ते हैं क्या आगे, पेजिंग वगैरह पढ़ते हैं, पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्टिग्युएस की तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं वेरिएबल पार्टिशनिंग और स्टैटिक पार्टिशनिंग। वेरिएबल पार्टिशनिंग में क्या होती है, आपकी होल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज होल्स आपके डायनेमिकली बन जाते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कॉन्टिग्युएस मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ा किसका, बेस्ट फिट का, वर्स्ट फिट का, नेक्स्ट फिट का और आपका फर्स्ट फिट का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो जस्ट अ मिनट, हम बात करते हैं अपने रैम की, कुछ इस तरीके से रैम बनती है आपकी। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 6 KB का एक है ब्लॉक, एक ब्लॉक है 15 KB का, और एक ब्लॉक है आपका 12 KB का, ठीक है। जो रिक्वेस्ट आपके पास आई है, पहली रिक्वेस्ट R1, R2 और R3, ठीक है, आपके पास रिक्वेस्ट आई है R1, R2 और R3। तो R1 जो है वो आपकी 10 KB की है, R2 जो है वो आपकी 2 KB की है, और R3 जो है वो आपकी 14 KB की है। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, अगर हम बात करें फर्स्ट फिट की, तो फर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है, आपको सबसे पहले जो आपका मेमोरी रिक्वेस्ट है उसको आपको उस वाले होल में डालना है जो कि आपके उस मेमोरी रिक्वेस्ट से थोड़ा छोटा हो या फिर उसके इक्वल हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको देखना है कि जो 10 KB है, 10 KB छोटा होना चाहिए आपके होल से या फिर इक्वल होना चाहिए। 10 KB आपका कहाँ आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट फिट का मतलब क्या है, जो भी आपको सबसे पहला बिग इनफ होल मिल जाए आपको उसमें डलवा देना है। तो आपने देखा 6 KB में तो नहीं आ पाएगा 10 KB, 15 KB में आ जाएगा। तो 15 KB में अगर यहाँ पर 10 KB आ गया, अब क्योंकि ये क्या होती है आपकी कॉन्टिग्युअस है, तो यहाँ पे जो अंदर है वो 5 KB वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि कॉन्टिग्युअस है तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया, 2 KB, तो 2 KB हम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। आपको फर्स्ट फिट में देखना है वो होल जो इतना बिग इनफ हो कि उसके अंदर हमारा
जो रिक्वेस्ट है वो आ सके। इसके बाद लास्ट रिक्वेस्ट है आपकी 14 KB की, ये यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगी, बिकॉज आप देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो आपका स्पेस बचा है वो कितना बचा है, 4 KB का। 12 KB का हमारे पास जो ब्लॉक है उसके अंदर जो रिक्वेस्ट नंबर 3 है 14 KB, वो तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएगी। और बाकी जो आपकी जगह बच चुकी है 4 KB और 5 KB, इनको मिला के भी आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे स्पैनिंग अलाउड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ऑर्डर है 10 KB, 2 KB और 14 KB, इसको यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जा सकता यूजिंग फर्स्ट फिट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप करते हो तो रिक्वेस्ट जो है वो एकोमोडेट नहीं हो पा रही है, तो आपका फर्स्ट फिट तो यहाँ पे नहीं चला। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट फिट की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट फिट की। तो नेक्स्ट फिट में हम देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे मैं इसी वाले टेबल के अंदर चेंजेस कर देती हूँ, तो नेक्स्ट फिट में क्या होगा देखो ध्यान से। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट फिट में क्या होगा। मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से बना लिया है 6 KB, 15 KB और 12 KB। पहला आपका जो आया वो 10 KB का आया, तो 10 KB हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, दिस इज 10 KB। यहाँ पे आपका आ गया कौन सा है ये आपका, यहाँ आपका बच गया 5 KB। ठीक है, अब फर्स्ट फिट की तरह आपने यहाँ पे स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जो आपका लास्ट एलोकेटेड होल है उसके आगे से आप नेक्स्ट के लिए सर्चिंग करना शुरू करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास नेक्स्ट आया 2 KB, तो आपको 2 KB इसके नीचे से स्टार्ट करना है, मतलब 2 KB आपका यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आपका 10 KB जो है वो यहाँ पर वेस्ट हो गया, 10 KB यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और 14 KB तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज जो 6 KB यहाँ बचा है इसको तो उसने रीड ही नहीं किया। इसका मतलब नेक्स्ट फिट में भी हमारा काम नहीं बनेगा, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी बेस्ट फिट के बारे में। किसके बारे में, बेस्ट फिट के बारे में, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्या है आपका, बेस्ट फिट। अब देखो बेस्ट वाले में क्या होता है, बेस्ट फिट में होता है कि आपको सबसे छोटा होल देखना है जो कि इतना बिग इनफ है कि आपकी रिक्वेस्ट आ सके। ठीक है, छोटा होना चाहिए लेकिन आपके रिक्वेस्ट से बिग इनफ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सर्च करनी है पूरी इंटायर लिस्ट, और सबसे छोटा और बिग इनफ होल को आपको निकाल के देना है। तो पहले हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो 10 KB की आई है, तो 10 KB के लिए आप देखो यहाँ पे 15 KB भी है और 12 KB भी है, लेकिन 15 KB क्या है, 12 KB से बड़ा है, तो इसीलिए क्या होगा, हमें 15 KB वाला चाहिए, बिकॉज हमें अपनी रिक्वेस्ट से बड़ा होना चाहिए लेकिन वैसे छोटा चल जाएगा। तो मतलब अब क्या होगा इस केस में, एक मिनट, यहाँ पे ये लाइन की जरूरत है नहीं, इसको हटा दो, है ना। तो हमने यहाँ पे 10 KB डलवा दिया, इधर इधर आपका 2 KB बच गया, रिमेनिंग 2 KB बच गया इधर यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आया हमारे पास R2 2 KB का, तो R2 2 KB का आया, तो आप देखो 2 KB आपका इधर आ सकता है ना, 2 KB आपका इधर आ जाएगा, और ये आपका 4 KB का जो स्पेस है बच गया। इसके बाद जो रिक्वेस्ट नंबर 3 है वो 14 KB का, तो 15 वाले के अंदर 14 KB आ जाएगा इधर, और आपके पास 1 KB यहाँ पर बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 KB आपका बच गया रिमेनिंग। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बेस्ट फिट है वो सबसे बेस्ट अप्रोच है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको सारी रिक्वेस्ट क्या हो गई, एकोमोडेट कर ली गई है। अगर हम बात करें वर्स्ट फिट की, तो वर्स्ट फिट में क्या होता है, बेस्ट फिट तो सही है हमारा, वर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है कि आप सबसे बड़ा होल ढूंढते हो जिसके अंदर आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है। तो अगर हम इसी वाले में चेंजेस कर ले थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट,
है, अब देखो यहाँ पे बेस्ट फिट हो गया हमारा। वर्स्ट फिट क्या बोलते हैं कि सबसे बड़े वाले होल को सर्च करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इंटायर लिस्ट को ही सर्च करते हैं और लार्जेस्ट इनफ होल निकाल के लेके आते हैं। तो 10 KB के लिए सबसे बड़ा होल कौन सा होगा आपका, 15 KB होगा, तो यहाँ पर आपका 10 KB आ जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्स्ट फिट, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो 5 KB है वो इधर वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2 KB, तो 2 KB के लिए बड़ा कौन सा है, 6 या 12, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 2 KB, और यहाँ पे कितना बच गया आपका, 10 KB बच गया। इसके बाद है 14 KB, तो 14 KB आपको कहीं पर एलोकेट हो ही नहीं पाएगा, इट मीन्स वर्स्ट फिट भी आपका नहीं चल पाया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि बेस्ट फिट ही बहुत अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा ऐसा एलोकेशन स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज थ्रूपुट इन प्रोसेस शेड्यूलिंग। थ्रूपुट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रूपुट का मतलब होता है कि आपका जो सीपीयू है वो पर यूनिट टाइम कितने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहा है। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम बाय सीपीयू इज कॉल्ड एज अ थ्रूपुट। तो ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो थ्रूपुट है किसी भी सिस्टम का वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, और जो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी है वो इसके थ्रूपुट से ही बढ़ जाती है। तो जितने ज़्यादा आप थ्रूपुट को इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा फंक्शन है ओएस का, फर्स्ट इज मेमोरी एलोकेशन, सेकेंड इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो मेमोरी एलोकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओएस। अब मेमोरी का मतलब यहाँ पर है मेन मेमोरी से, तो रैम को मैनेज करता है आपका ओएस, किस तरीके से रैम के अंदर आपके प्रोसेस रिसाइड करेंगे, कैसे आपको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ानी है, इन सब चीजों के ऊपर ओएस रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अब नेक्स्ट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जितने भी आपके रिसोर्सेज है, प्रिंटर है, स्कैनर है, रैम है, प्रोजेक्टर है, इन सबको कैसे यूटिलाइज करें ताकि जो भी प्रोसेस आपका रिक्वेस्ट कर रहा है वो करेक्ट टाइम पर अपने रिसोर्स को अवेल कर सके, जिससे आपका थ्रूपुट मैक्सिमाइज हो सके। तो बोथ आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली उसे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।